कथा आती है, एक प्यारी कथा आती है। कथा आती है एक पंडित जी की, एक राजा के दरबार में काम करते थे और रोज राजा को जाके भागवत सुनाते थे। 30 वर्ष गुजरे तो राजा ने कहा कि पंडित जी एक बात बताइए, आप बताते हैं कि भागवत को सुनने से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, मैं तो हुआ नहीं, आप तो 30 वर्ष से सुना रहे हैं। बोले आप इस प्रश्न का उत्तर लेकर के आइए कि आपके सुनाने से मैं मुक्त क्यों नहीं हुआ, यदि कल तक उत्तर नहीं लाएंगे तो मैं आपको जेल में डाल दूंगा। पंडित जी घबराए, राजा का हुक्म था, घबराए घबराए अपने घर को गए। अब रास्ते में उनको एक संत दिखाई पड़े, ने कहा इनसे अपनी परेशानी बताते, परेशानी बताई कि राजा साहब ने ऐसा ऐसा आदेश दिया है। संत बोले कि तुम्हारी परेशानी तो मैं दूर कर दूंगा, तुम एक काम करो राजा के पास मुझे लेकर के चलो और ये कहो कि हमारे शिष्य हैं और हमारा शिष्य आपके प्रश्न का उत्तर देगा। ठीक, लेकर के गए। अगले दिन संत को ने अपने साथ लिया, राजा के सामने ले जाकर के खड़ा किया, बोले राजा साहब हमारा शिष्य है और ये हमारे प्रश्न का उत्तर देगा हमारी ओर से। राजा ने कहा कोई भी दे दे हमें क्या है, हमें तो प्रश्न का उत्तर चाहिए। उन्होंने कहा कि एक बार बताइए कि साहब ये मुक्त क्यों नहीं हो पाते। तो संत बोले कि ऐसा है, मैं उत्तर तो दूंगा पर उसके लिए एक शर्त है, आप मुझे ऐसा करिए कि कुछ देर के लिए इस राज्य का राजा बना दीजिए और यहाँ जितने दरबारी हैं, अधिकारी हैं, आपके सेनापति हैं, सैनिक हैं, सबको कह दीजिए कि राजा होने के नाते जो मैं आदेश दूँ वो पूरा करना जरूरी है। राजा ने कहा ठीक, बना दिया। बना दिया, बोले हाँ। उन्होंने तुरंत राज दरबार के सैनिकों से कहा कि आप राजा को और पंडित जी को दोनों को रस्सियों से बांध दो। क्या करें, बांधना पड़ा, राजा बन गए थे वो थोड़ी देर के लिए, बांधा उन्होंने। जैसे ही बांधा वैसे ही संत ने कहा कि पंडित जी से कि पंडित जी आप राजा साहब को खोल दो। कैसे खोले, बंधे हुए। राजा साहब से कहा कि राजा साहब आप पंडित जी को खोल दो। राजा बोले कैसे खोले साहब, बंधे हुए। बोले समझ में आया, जब दोनों ही बंधे हुए हो तो खोल कैसे सकते हो, खोलने के लिए किसी एक का मुक्त होना तो जरूरी है, जो मुक्त है वही दूसरे को मुक्त करा सकता है और जो गायत्री का मंत्र है वो यही व्यक्ति को संबल प्रदान करता है कि न हम आसुरी शक्तियों के अधिकार में आए, न हम नकारात्मक शक्तियों के अधिकार में अपने जीवन को दें, बल्कि जीवन की जो योजना है, जो कार्य है, उस ओर व्यक्ति मुक्ति के भाव के साथ आगे बढ़ सके। प्रेजेंटिंग शांति कुंज वीडियो ऐप अवेलेबल एट गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड इट नाउ। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।